नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टेक्निकल आइडियाज़ में। पिछले कुछ वीडियोस में हमने आपको बताया था कैंडल स्टिक क्या होती है, बेसिक चीज़ बताया था कि कैंडल स्टिक का क्या ओपन प्राइस होता है, क्या लो होता है, क्या हाई होता है, क्या क्लोजिंग होता है। ठीक है, अभी देखिए, जैसे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये रेड कैंडल एक जो बनी है, या कोई से भी कैंडल आप ले लीजिए, पहली, दूसरी, तीसरी, ये जो रेड वाला कैंडल है, ये वाला, तो इसमें आप देखिए, इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है? इसको कैंडल बोलते हैं। और इसमें ओपन कहाँ पे हुआ है, देखिए ये ओपन हुआ है 35,323 के लगभग ओपन हुआ है। उसके बाद हाई कितना गया है, ये है हाई प्राइस 35,367। उसके बाद ये है इसका लो प्राइस 34,979, और ये है इसका क्लोजिंग प्राइस 35,266। कैंडल स्टिक में चार चीज़ें होती हैं, चार प्राइस होते हैं, एक होता है ओपन, एक होता है हाई, एक होता है लो, एक होता है क्लोज। तो इन चारों चीज़ों में से सबसे इम्पोर्टेंट प्राइस कौन सा है, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या आप गेस कर सकते हैं? चार प्राइस हैं तो चारों में से कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइस है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। इन चारों प्राइस में से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्राइस है क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस, क्लोजिंग प्राइस ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ है कैंडल स्टिक में, वो चीज़ हमारे लिए ध्यान देने वाली बात है। अब पूछिए क्लोजिंग प्राइस क्यों इम्पोर्टेंट है? क्लोजिंग प्राइस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखिए, शायद आप लोगों को पता नहीं होगा, बहुत कम ही लोगों को पता होगा, अगर आपको एक्सपीरियंस भी होगा तब भी शायद आप रेयर ही चांस है कि सब लोग जानते होंगे। एक आइडिया मैं बताता हूँ, मार्केट क्लोज होने के बाद से लेके और मार्केट ओपन होने तक शेयरों के प्राइस जो हैं, इसका प्राइस जो है हमारे दिमाग में चलता है, भले एक्सचेंज बंद हो जाता है लेकिन इनकी ट्रेडिंग जो है इनकी, वो हमारे दिमागों में चलती रहती है। तो जिनका पैसा इन्वेस्ट है, या जो पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, या जिन्होंने यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन बनाया है, मतलब आगे ऊंचा बेचने के मूड में, या जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है आगे नीचे गिरने के मूड में, तो इसमें कुछ बुल्स हैं, कुछ बियर्स हैं, कुछ नोविस ट्रेडर हैं, नोवाइस ट्रेडर्स, नौसिखिए ट्रेडर्स हैं, कुछ प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं। तो मार्केट में बहुत तरह के लोग हैं, ऐसे भी लोग भी हैं जो काफ़ी फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, हर एक चीज़ का एनालिसिस करते हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको फंडामेंटल से कोई मतलब नहीं, सिर्फ टेक्निकल चीज़ देखते हैं, प्राइस पैटर्न देखते हैं, उसके आधार पर ट्रेडिंग करते हैं। और कुछ जो है वो सिर्फ टिप्स के आधार पर ट्रेडिंग करते हैं, किसी ने टिप्स दे दी कि भाई ये ख़रीद लो, इतने पे ख़रीद लो, ओके ख़रीद लिया, इतना टारगेट रहेगा, ओके इतना लगा दिया, अब कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, कुछ पता नहीं है कि कैसे करना है, क्या करना है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए प्राइस जो भी ओपन होता है, किस भाव पे ओपन होता है, ये सब डिसाइड होता है, डिसाइड कौन करते हैं, ये सब एमेच्योर्स लोग डिसाइड करते हैं, जो ज़्यादा आइडिया नहीं है, जिनको कुछ पता नहीं है, बस उनके पोजीशन है या पोजीशन बनाना चाहते हैं, या शाम को कोई न्यूज़ सुन ली, रात में कोई न्यूज़ सुन ली, या किसी से टिप ले ली, तो वो ऑर्डर लगा के रख देते हैं, और मार्केट खुलते ही वो सारे जितने भी ऑर्डर लगे हुए होते हैं सब एक साथ एग्जीक्यूट होते हैं, और एक सप्लाई और डिमांड के हिसाब से एक फिक्स प्राइस पे ओपन हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रोल होता है प्रोफेशनल लोगों का, वो देखते हैं कि मार्केट ओपन कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है। प्रोफेशनल लोगों का टारगेट रहता है उसके अपोजिट काम करने का मैक्सिमम टाइम, या तो वो देखते हैं उनके हिसाब से, उनके फेवर में अगर ओपन हुआ है तो वो उसको और अपने डायरेक्शन में मूव कराते हैं, या देखते हैं अगर उनके अपोजिट हुआ है तो इस हिसाब से वो उसको अपोजिट मूव कराते हैं। अब देखिए, ये जो कैंडल आज की बनी है, आज की मतलब फ्राइडे की जो कैंडल है बैंक निफ्टी की, इसमें ओपन हुआ है यहाँ पे, ओके, उसके बाद से इतना नीचे गया है। अब क्लोजिंग जो है वो हमेशा प्रोफेशनल्स डिसाइड करते हैं,
और जो हायर प्राइस है, देखिए जो हायर प्राइस है ये दिखाता है कि इसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है बुल्स की, मतलब बुल्स में इतनी स्ट्रेंथ थी जो इसको इतना ऊपर लेके गए। और ये जो नीचे वाली आप जो देख रहे हैं ये लाइन, ये विक, ये दिखाता है पावर ऑफ बुल्स बियर्स का, बियर्स को इसको कितना नीचे लेके गए। तो ये एक दिन का जो कैंडल है वो दिखा रही है कि ये एक बैटल की तरह है, बुल्स एंड बियर्स के बीच में एक बैटल चलता है। ओपन यहाँ पे हुआ, उसके बाद हाई इतना गया, बुल्स उसको ऊपर लेके गए और फिर वापस नीचे आया, फिर बियर्स इसको इतना नीचे लेके गए और यहाँ पे उनका मैक्सिमम पावर एग्जॉस्ट हो गया। यहाँ से बुल्स ने वापस कैप्चर किया और इस प्राइस को ऊपर लेके गए और ये क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। तो मतलब बुल्स एंड बियर्स के बीच में यहाँ पे समझौता हो गया क्लोजिंग करने के लिए, तो यहाँ पे ये प्राइस जो है वो क्लोज हुआ है। ओपन चाहे कहीं भी हुआ, तो क्लोजिंग जो है ऑलवेज प्रोफेशनल से डिसाइड करते हैं। तो ये था मेरा आज का एडवांस नगेट। और ऐसे ही आप छोटी छोटी बारीक चीज़ें, माइन्यूट चीज़ें जो इसके अंदर में जाके देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल से और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन वीडियो के मिलते रहेंगे टाइम टू टाइम। थैंक यू, धन्यवाद।